Bismillahirrahmanirrahim. Oxidation number and rules for assigning oxidation number. ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? So oxidation number and rules for oxidation assigning oxidation state जो है ये किस तरह होगा? सबसे पहले oxidation state या oxidation number ये क्या होता है? So if you look over here. The apparent charge, positive or negative, which an atom would have in a molecule or a compound is called oxidation state. जो apparent charge होता है किसी भी atom पर within a molecule or compound. एक molecule है या compound है उसके अंदर जितने atoms हैं, मसलन H2O है तो H2O के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो विद इन द H2O अब H पर क्या चार्ज है या O के ऊपर क्या चार्ज है, एपरेंट चार्ज जो होता है, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव और वेदर इट इज न्यूट्रल. ओवरऑल H2O जो है इसका चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, न्यूट्रल होगा ये. लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल H का अपना एक चार्ज होगा, O का अपना एक चार्ज होगा, उनका अल्जेब्रिक सम एक्चुअली जीरो के बराबर होगा. तो ये जो एपरेंट चार्ज होता है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है? जो आयंस हैं आपके पास, तो आयंस का चार्ज तो जो उसके ऊपर अपरेंट चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल एल प्लस थ्री है, एल्यूमिनियम आयन है, तो ये प्लस थ्री जो एल्यूमिनियम के सिंबल पे आता है इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट. बात समझ में आ रही है? अब आप देखें, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैलेंसी बिकॉज वैलेंसी इज ओनली अ नंबर विच इंडिकेट्स द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, वाइल ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव करेक्टर ऑफ द एटम. अब ये ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी बात स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और इंटरमिक्स हो जाता है. तो ये आप क्लियर कर लें कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. वैलेंसी इज जस्ट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, या सिंपली आप कह सकते हैं कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा. अगर एक एटम एक बॉन्ड बनाता है इसकी वैलेंसी वन है, अगर एक एटम टू बॉन्ड्स बनाता है इसकी वैलेंसी टू है. सो इट इज जस्ट द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, वैलेंसी, ठीक है? ये प्लस माइनस हम उसके साथ नहीं लिखते. मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है विदाउट द साइन हम इसी को एज अ वैलेंसी लेते हैं, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है तो वो या प्लस होगी या माइनस होगी, ठीक है? वो एक्चुअली चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विच इज असाइंड बाय द फॉलोइंग रूल्स. अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हम किस तरह मालूम करेंगे या हम इसको किस तरह असाइन करेंगे? सो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि हम किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को. तो सबसे पहला रूल जो है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट इज जीरो. जब भी आपके पास कोई फ्री एलिमेंट होगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो काउंट होगा. फॉर एग्जाम्पल आप देखें H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो H2 इज अ फ्री फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा. दूसरा इसका जो सबसे आसान पहचान है वो यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कहते हैं एपरेंट चार्ज को. इसके सिंबल के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर आप देखें, आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. H2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इट इज जीरो. इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, ये न्यूट्रल है. इसी तरह O2 को आप देखें, फ्री फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो होगा. मैंगनीज को आप देखें, जीरो है. तो ये तीन एग्जांपल्स दिए हैं, तीनों को आप देखें, उसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि है ही नहीं, तो नजर क्या आएगा? इट मीन्स देयर जीरो, ठीक है?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इस कंपाउंड इज प्लस वन। अब हाइड्रोजन का आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन का अपने कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस वन होगा। क्या होगा? प्लस वन। बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट इज माइनस वन। जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन प्लस वन है मां सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के। और मेटल हाइड्राइड्स ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, इनके साथ जब हाइड्रोजन मिलता है ये मेटल हाइड्राइड बनाता है। ग्रुप वन में यू नो क्या है, हाइड्रोजन लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ग्रुप टू में क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, रेडियम है। थर्ड में क्या है, बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। ठीक है, तो इनके साथ अगर हाइड्रोजन मिलता है ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, इट विल बी कॉल्ड एज अ मेटल हाइड्राइड। और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, सोडियम ग्रुप फर्स्ट से है तो ग्रुप फर्स्ट हमेशा चूंकि प्लस वन होता है वो माइनस में नहीं जा सकता, तो हाइड्रोजन जो है वो माइनस वन होगा। तो ओवरऑल इसका चार्ज जीरो होगा, सोडियम प्लस वन और हाइड्रोजन माइनस वन। या मैग्नीशियम ग्रुप टू से इसका चार्ज हमेशा प्लस टू रहता है। ठीक है, तो इसका प्लस टू तो हाइड्रोजन का माइनस वन, दो हाइड्रोजन माइनस टू हो जाते हैं, ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाता है। तो हाइड्राइड में माइनस वन होगा हाइड्रोजन, और इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसमें क्या होगा, प्लस वन होगा। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज माइनस टू, बट इन परऑक्साइड्स इट इज माइनस वन एंड इन ओएफ टू इट इज प्लस टू। अब ऑक्सीजन जो है, दूसरा जो कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कंसिडर करेंगे वो ऑक्सीजन का करेंगे कि ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करेंगे, माइनस टू कंसिडर करेंगे। जितने भी इसके कंपाउंड है उसमें माइनस टू होगा मां सिवाय परऑक्साइड्स के, परऑक्साइड्स में ये माइनस वन होता है एंड इनफैक्ट सुपरऑक्साइड में माइनस हाफ होता है। अब परऑक्साइड भी ऑक्सीजन गिनती के कुछ एलिमेंट्स के साथ सिर्फ बनाता है। सोडियम परऑक्साइड बनता है, पोटेशियम परऑक्साइड बनता है। इसी तरह ग्रुप टू से जो आखिरी दो एलिमेंट्स हैं बेरियम और रेडियम वो परऑक्साइड्स बनाते हैं। तो बेरियम रेडियम या सोडियम पोटेशियम के साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो उसमें ये परऑक्साइड होगा, यानी ऑक्सीजन माइनस वन होगा। और ग्रुप वन के आखिरी दो एलिमेंट्स के साथ एंड इनफैक्ट पोटेशियम भी, इनके साथ ये सुपरऑक्साइड भी बना सकता है, उसमें यह माइनस हाफ होता है, यानी दो ऑक्सीजन पे कलेक्टिवली माइनस वन चार्ज होता है। इसके अलावा पीरियडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा ये माइनस टू में होगा। ऑक्सीजन सिर्फ एक केस में पॉजिटिव आ सकता है, और वो केस क्या है, जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन पीरियडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन कभी पॉजिटिव में नहीं जा सकता। अब दूसरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव रह जाएगा। तो जब फ्लोरीन के साथ इसका कंपाउंड जब बनता है OF2, तो इसमें ऑक्सीजन अब माइनस टू होगा और फ्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन जो है ये प्लस टू होगा, फ्लोरीन माइनस वन होगा, क्योंकि फ्लोरीन पॉजिटिव में नहीं जा सकता। तो कॉमन ऑक्सीजन का क्या होगा, माइनस टू होगा, परऑक्साइड में माइनस वन, सुपरऑक्साइड में माइनस हाफ, और फ्लोरीन के साथ प्लस टू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, 2A एंड 3A एंड देयर कंपाउंड्स प्लस 1, प्लस 2 एंड प्लस 3 रिस्पेक्टिवली। अब अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप 1 का एलिमेंट जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा तो अपने कंपाउंड में ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस 1 होगा। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनके जितने भी कंपाउंड्स हैं नॉन, सब में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगा, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है सो फार। ग्रुप टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपने कंपाउंड्स में हमेशा प्लस टू स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं, प्लस टू में। और ग्रुप थ्री बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये
प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ठीक है, अपने कंपाउंड में फ्री फॉर्म में जीरो होंगे, कंपाउंड के अंदर ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स इन देयर कंपाउंड इज माइनस वन। अब हैलोजन्स ये माइनस वन में होते हैं, अब इसमें फ्लोरीन तो हमेशा माइनस वन होगा, फ्लोरीन तो माइनस वन के अलावा कोई ऑप्शन उसके साथ नहीं है, लेकिन बाकी जो है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो प्लस सेवन में भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमनली हम इनको माइनस वन ही लेंगे, राइट। The algebraic sum of the oxidation numbers of all the atoms in a molecule is zero. अब एक मालिक्यूल, you know, एक मालिक्यूल हम न्यूट्रल स्पीशी को कहते हैं, तो उसका ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या स्टेट होगा वो जीरो होगा। तो अब मालिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होंगे उनका तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उन सब का जितने भी मालिक्यूल के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपस में एड करके उससे क्या हासिल होगा, जीरो ही हासिल होगा। अलजेब्रिक सम उनका जीरो के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का यहां पे एग्जांपल दिया है, वाटर का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, किस तरह, इसमें हाइड्रोजन प्लस वन है, दो हाइड्रोजन प्लस टू आ जाते हैं, ऑक्सीजन माइनस टू है, तो प्लस टू माइनस टू से क्या आता है, जीरो आता है, तो ओवरऑल जीरो है, ये क्या है, अलजेब्रिक सम है। तो इंडिविजुअल या कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में एड कर दें, उससे आपके पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब अगर कोई आयन है आपके पास, तो अगर सिंपल आयन है तो उसका अपरेंट चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पे कोई चार्ज आ जाता है, ग्रुप ऑफ एटम्स अगर आयन आ जाता है, मॉलिक्यूलर आयन जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपके पास आ जाता है, रेडिकल आपके पास कोई आ जाता है, अगर एसिडिक या बेसिक रेडिकल, तो फिर उनमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनका इंडिविजुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे वो किस चीज के बराबर होंगे, उनका अलजेब्रिक सम वो चार्ज के बराबर होंगे, जो उसका क्या होगा, चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे सल्फेट दिया है, SO4 माइनस टू जो है, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपस में एड होके इससे माइनस टू आएगा, अलजेब्रिक सम चार्ज के बराबर होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होता है, और आयंस के केस में अलजेब्रिक सम एलिमेंट्स का क्या होगा, चार्ज ऑफ द आयन के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का प्लस सिक्स है, ऑक्सीजन माइनस टू है, चार ऑक्सीजन है तो माइनस एट, तो प्लस सिक्स माइनस एट से माइनस टू आ जाता है, और इसका चार्ज किस चीज के बराबर है, माइनस टू के ही बराबर है। व्हेन एन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, एंड व्हेन एन एटम इज रिड्यूस्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड। ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि जब कोई एटम ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑक्सीडाइज वो कब होगा, जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस वन एड होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो प्लस टू एड होगा, क्योंकि एक माइनस चार्ज कम हो जाता है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंक्रीज होगा, ठीक है। और रिडक्शन में जब कोई एटम रिड्यूस होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, सही है। जस्ट यहां पे इंग्लिश मीनिंग ले लें, रिडक्शन क्या होता है, कमी होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली कम हो जाती है, ठीक है। अब इन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनमें हमने, आपने नोट किया होगा कि हमने हाइड्रोजन को ले लिया, हाइड्रोजन हमेशा प्लस वन, परऑक्साइड में माइनस वन, सो परऑक्साइड में माइनस हाफ, OF2 में प्लस टू, हाइड्रोजन प्लस वन, हाइड्राइड में माइनस वन, ठीक हो गया। इसी तरह ग्रुप वन प्लस वन होगा, ग्रुप टू प्लस टू होगा, ग्रुप थ्री प्लस थ्री होगा, राइट, ग्रुप सेवन माइनस वन होगा। अब इसके अलावा जितने आपके पास एलिमेंट्स बच जाते हैं, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से भरा पड़ा है, हमने गिनती के कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बाकी जितने होंगे वो हम सिंपल अलजेब्रा से उसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल हम लेंगे, क्रोमियम का जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है,
इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। रूल्स में अब हमने क्रोमियम के लिए कुछ नहीं किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो पोटेशियम ग्रुप वन से है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा। ऑक्सीजन ग्रुप क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा, लेकिन क्रोमियम का हमने नहीं पढ़ा। तो किस तरह हम करेंगे, हमने एक रूल पढ़ा कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जितने उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होगा। तो एक ये एक सिंपल कंपाउंड है, अलजेब्रिक सम पोटेशियम क्रोमियम और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का जीरो के बराबर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन डेटा लेते हैं, इसमें पोटेशियम और ऑक्सीजन मौजूद है, पोटेशियम का हमें पता है ग्रुप वन से है तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होगा, ऑक्सीजन का हमें पता है कि माइनस टू होगा, राइट। क्या रिक्वायर्ड है हमसे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्स के बराबर ले लेंगे, ठीक हो गया। As you know that the algebraic sum of the oxidation numbers of all the atoms in a molecule is zero, therefore क्या करेंगे हम, पोटेशियम है, दो पोटेशियम है और एक पोटेशियम का प्लस वन चार्ज है, तो दो को हम प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस क्रोमियम दो है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक्स के बराबर लिया हुआ है तो दो को एक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन सात है और एक ऑक्सीजन का माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये सब किस चीज के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये हम कर लेंगे, दो को एक से मल्टीप्लाई करें तो दो आ जाएगा, टू एक्स अपनी जगह पे और सेवन मल्टीप्लाई बाय टू माइनस फोर्टीन आ जाएगा, सही है। इसको आप मजीद कर लें तो टू माइनस फोर्टीन से माइनस ट्वेल्व आ जाता है, माइनस ट्वेल्व को साइड पे लेके जाएं तो प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, दोनों साइड को टू पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्स किस चीज के बराबर आ जाएगा, प्लस सिक्स के बराबर आ जाएगा। सो इट मींस कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज के बराबर है, सिक्स के बराबर है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, थायोसल्फेट है H2O3 जो कि आयन है, तो H2O3 माइनस टू या थायोसल्फेट आयन का हमने करना है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करना है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2O3-2, ठीक है। तो ये किस तरह हम करेंगे, वही अल्जेब्रिक सम मेथड से करेंगे, लेकिन अब हमने अल्जेब्रिक सम किस चीज के बराबर लेना है, माइनस टू के बराबर लेना है, चार्ज के बराबर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन डेटा लिखेंगे, ऑक्सीजन सिर्फ इसमें नॉन है, माइनस टू इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमसे क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर्ड है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्स के बराबर लेते हैं, राइट। तो यू नो के अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू अ चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखें आप H2 है, S को हमने एक्स के बराबर लिया हुआ है तो दो एक्स है तो हम टू एक्स लेंगे, प्लस तीन ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का माइनस टू है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, और ये किस चीज के बराबर होगा, टू के बराबर, माइनस टू के बराबर होगा जो कि चार्ज है, ठीक है। माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, माइनस सिक्स आएगा, राइट। और माइनस सिक्स को उस साइड पे लेके जाएं तो प्लस सिक्स हो जाएगा, माइनस टू प्लस सिक्स से प्लस फोर आ जाता है, दोनों को टू पे डिवाइड करें तो प्लस टू आपके पास आ जाएगा, सही है। सो H2O3-2 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस चीज के बराबर होगा, प्लस टू के बराबर होगा। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2SO4 में अगर हम सल्फर की मालूम करना चाहते हैं तो बताएं मुझे क्या पॉसिबल, क्या आंसर होगा, सल्फर का किस तरह आएगा जी, विद इन 3-5 सेकेंड्स कौन कर सकता है इसको, प्लस सिक्स आएगा, क्यों, किस तरह, माइनस टू है, माइनस एट हो गया, प्लस टू हाइड्रोजन हो गया, माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स आता है, माइनस सिक्स से जीरो लाने के लिए सल्फर को प्लस सिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखें सल्फर का हमने एक्स लिया हुआ है, ठीक है, एंड एग्जैक्टली ही इज राइट, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज के बराबर आ रहा है, प्लस सिक्स के बराबर आ रहा है। H2SO4 है, हाइड्रोजन का प्लस वन है, दो हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर एक है, एक्स के बराबर हमने लिया हुआ है और ऑक्सीजन माइनस टू है, चार ऑक्सीजन है टोटल, और H2SO4 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको हम जीरो के बराबर लेंगे, ठीक है।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा, x अपनी जगह पे 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 8 और 2 से आपके पास क्या आएगा माइनस 6 आएगा, माइनस 6 उस साइड पे आप लेके जाएंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, सो x आपके पास 6 के बराबर हो गया एंड प्लस 6 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन H2SO4। नाउ मजीद आपने इस पे क्वेश्चन देखना है कि डिटरमिन विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। जी जिंक जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर जिंक आयन बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। रूल्स में हमने पढ़ा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो एलिमेंट क्या होगा रिड्यूस होगा। अब आप इसमें मुझे बताएं कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो है, क्यों? फ्री फॉर्म है, ठीक है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस वन है। अब जिंक का यहां पे क्या है, प्लस टू है, तो जिंक जीरो से प्लस टू बन गया है, तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज। तो इंक्रीज जब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो में गया है एग्जैक्टली। तो प्लस वन से अगर जीरो में जा रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये रिड्यूस हो गया है, तो इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो चुका है और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो चुका है, ठीक हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक ऑन रिएक्शन साइड इज जीरो व्हाइल इट्स प्लस टू ऑन द प्रोडक्ट साइड, दस जिंक इज ऑक्सीडाइज एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इंक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। एंड हाइड्रोजन आयन ऑन द लेफ्ट साइड हैज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल ऑन राइट साइड इज जीरो, दिस हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। अब आप इसमें मुझे बताएं एल्यूमिनियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। कॉपर प्लस टू है, एल्यूमिनियम और कॉपर जीरो है। अब आप देखें एल्यूमिनियम जीरो से प्लस थ्री में गया है तो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। और कॉपर जो है क्यूप्रिक आयन प्लस टू से जीरो में गया है, ये क्या हुआ है, इसमें रिडक्शन हुई है, एक्सीलेंट, ठीक है। सो एल्यूमिनियम ऑन द लेफ्ट साइड इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल इट इज प्लस थ्री ऑन द राइट साइड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, वेयर इज कॉपर ऑन द लेफ्ट साइड इज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल इट इज जीरो ऑन द राइट साइड ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर इज रिड्यूस्ड, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी है कोई क्वेश्चन, नहीं है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।